व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू गेमिंग विद अभिनीत। और भैया यहाँ पे हम क्विकली एक 10 ओवर मैच खेलने वाले हैं जिसमें हम सारी की सारी बॉलें जो है हवा में खेलेंगे। एक्चुअली यार आप सबको तो पता ही है मेरी हिटिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं है, उसी वजह से ये मैं बाहर प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे लगा यार एक ऐसे प्रॉपरली वीडियो बना के भी डाली जा सकती है, मज़ा आएगा, हाईलाइट्स रहेगी। यहाँ पे टोटली जो बॉल वाकई हवा में उड़ी होगी वही दिखाऊंगा, क्योंकि मिस टाइम शॉट्स जो होते हैं वो हवा में नहीं जाते हैं, तो सिर्फ विकेट्स चौके छक्के होंगे। तो चलिए पहली गेंद आ भी गई है वहाँ पे, और कौन है, वीरेंद्र सहवाग स्ट्राइक पे है और पहली ही गेंद उठा के भैया बाहर मारी है। ये काम सहवाग ही कर सकते हैं कि पहली बॉल उठा के ग्राउंड के बाहर मार दे। और एक ओवर हो चुका है यहाँ पे, 11 रन टीम का स्कोर और ये हवा में है। सहवाग मुश्किल में है और लीजिए पहला विकेट गिरता हुआ। हर गेंद हवा में होगी यहाँ पे, और मोस्टली मैं कमेंट्री साथ साथ करता हूँ बट ये कमेंट्री मैं बाद में कर रहा हूँ। और भैया अगली गेंद सौरव गांगुली की और आउट हो गए। पहली गेंद पे सौरव गांगुली भी वहाँ पे आउट हो गए, 12 रनों पे ही 2 विकेटें गिर चुकी है। अच्छा यार मुझे ये भी बता दीजिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो अगला मैच हम इसमें किस टीम से खेलें। हवा में ये गेंद और लीजिए सचिन तेंदुलकर भी आउट हो गए। और यार इसमें कोई हेट नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है एक किस्म से देखा जाए, ताकि हम हवा में थोड़ा बेटर खेल सके आगे जाके, और उसी लिए ऐसे खेल रहे हैं। इसी बीच एक अच्छा चौका किसने मारा यार, ये राहुल द्रविड़ थे शायद, उन्होंने लगाया। काफ़ी जल्दी जल्दी क्विक होने वाला है यहाँ सब कुछ, धोनी फील्ड सेट करते हुए, तो द्रविड़ का चौका था वो। और अश्विन गेंदबाजी करा रहे हैं वहाँ पे, 19 रन हो चुके हैं, 10 ओवर का मैच है ये। और लीजिए द्रविड़ का शॉट, बहुत ही अच्छा छक्का वहाँ पे राहुल द्रविड़ द्वारा। और इसमें दूसरी चीज़ ये होगी कि दोनों टीमों से हम भी बैटिंग करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे भैया। जब दूसरी टीम की बैटिंग आएगी तो हम चेंज कर लेंगे, उससे बैटिंग करेंगे। इसी बीच अश्विन की अगली गेंद और उठा के राहुल द्रविड़ ने फिर लगा दिया। कौन कहता है राहुल द्रविड़ स्लो खेलते हैं, ये वाली इनिंग दिखा दो उन्हें। लगातार 3 शॉट बहुत ही तगड़े लगाए हैं उन्होंने और क्लास दिखाई है अपनी। चलिए मोहम्मद कैफ स्ट्राइक पे आए हैं और ये आउट हो जाएंगे यहाँ पे, कैफ भी नहीं चले, तो थोड़ी सी मुश्किल में है ये टीम। मुझे यार मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने ये टीम्स ले लिया, लेकिन इसमें आई थिंक हम IPL की टीम से भी खेल सकते हैं जब मौका आएगा। ये अच्छा शॉट, राहुल द्रविड़ एक अलग ही लेवल पे क्रिकेट खेलते हुए वहाँ पे, बहुत अच्छा छक्का ये, 105 मीटर लंबा। और अब युवराज सिंह स्ट्राइक पे है, अरे भैया युवी का छक्का कमाल, ज़्यादा ऊंचा नहीं गया, सीधा छक्का था ये 95 मीटर का, और राहुल द्रविड़ 23 पे पहुंच गया। अश्विन कंटिन्यू करेंगे और गैप में है ये शॉट भी, 4 रनों की तरफ जाता हुआ। टाइमिंग अच्छी नहीं थी इसीलिए भैया एलिवेशन ज़्यादा नहीं मिली, अच्छा चौका वहाँ पे। चलिए अगली गेंद, अश्विन कंटिन्यू कर रहे हैं और राहुल द्रविड़ आउट हो गए, बहुत अच्छा खेल रहे थे और अपना विकेट गिराया। कहीं ना कहीं ब्लैक को जो मुश्किलें थी वो उन्होंने ख़त्म की, कुछ रन्स लगाए, 48 रन हो गए। इरफान पठान बल्लेबाजी करने आए हैं और क्या बड़ा छक्का लगाया उन्होंने, कमाल का शॉट था ये इरफान पठान के बल्ले से, 112 मीटर लंबा छक्का, बहुत ही अच्छा। अश्विन को विकेट्स भी मिली है लेकिन रन भी अच्छे खासे दे दिए, 2 बॉलें अभी भी पड़ी है उनकी। और लीजिए एक और अच्छा शॉट है, शॉट इरफान पठान द्वारा, ये 4 रन जाएंगे। तो इसका यार ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि कुछ नए शॉट्स भी शायद हमें सीखने को मिल जाए इसमें। अगली गेंद कंटिन्यू करेंगे और ये क्या बढ़िया कैच पकड़ा है, शॉट बहुत अच्छा था, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन भैया कैच भी उतना ही अच्छा था। हरभजन सिंह आ चुके हैं अब और भज्जी का शॉट निकल जाएगा 6 रनों के लिए। ग्राउंड भी छोटा है ये, क्योंकि भैया हिटिंग करनी थी और हिटिंग दिखानी थी तो ग्राउंड छोटा रखा है वहाँ पे। युवराज सिंह बल्लेबाजी करेंगे काफ़ी कुछ, और लीजिए बोल्ड हो गए, ये क्या बढ़िया बॉल थी यार, ये मस्त जिसे कहते हैं यॉर्कर वो थी ये, बहुत ही अच्छी स्विंगिंग। यॉर्कर प्रवीण कुमार है तो स्विंग तो इन्हें खासकर बहुत ही अच्छी मिलती थी। ये अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट हरभजन सिंह के बल्ले से 6 रनों के लिए, लंबा छक्का है ये काफ़ी, बहुत ही लंबा, 123 मीटर लंबा छक्का था हरभजन के बल्ले से। अनिल कुंबले उनका साथ दे रहे हैं और चलिए भज्जी का ये शॉट और फाइनली अपना विकेट गिराएंगे यहाँ पे हरभजन सिंह भी, तो 70 रन और विकेट्स गिर रही है वहाँ पे धड़ाधड़। लेकिन आई थिंक 10 ओवरों के हिसाब से स्कोर तो अच्छा बन गया। जहीर खान अब बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो भी कुछ खास टाइमिंग नहीं, और लीजिए जहीर खान की किस्मत ने उनका साथ दिया वहाँ पे, उठा के तो लगा दी थी। चलिए अगली गेंद जहीर खान कंटिन्यू करेंगे, ईशांत शर्मा गेंदबाजी करा रहे हो, क्या बढ़िया शॉट लगाया, ये शॉट अच्छा है यार, हम भी ट्राई कर सकते हैं इस साइड वाले गैप पे, अच्छा चौका पर बाउंस अच्छा चाहिए वहाँ पे।
और लास्ट ओवर आ गया 86 रन, कितने रन आएंगे, 6 रन इसी बीच, क्या बात है। जहीर खान ने बढ़िया बैटिंग दिखाई है अंत में आके, 101 मीटर लंबा छक्का, 13 रनों पे जहीर खान खेल रहे हैं। क्या 100 रनों तक पहुंच पाएगी ब्लैक की टीम, और लीजिए जहीर खान भी आउट हो गए, जिसकी तारीफ करो वो आउट होते हुए। यहाँ पे जहीर खान का भी विकेट गिरा, जडेजा की अच्छी विकेट वहाँ पे, तो नहीं सॉरी सॉरी अनिल कुंबले आउट हुए यार, और जहीर खान तो लगे हुए हैं, एक और छक्का लगा दिया उन्होंने, क्या बात है। तो 99 रन हो गए वहाँ पे, और अच्छी बात 100 रन हो गए। चलिए तो लास्ट बॉल है इस ओवर की, श्रीनाथ स्ट्राइक पे है, क्या बनेगा, और आउट हो जाएंगे। तो फाइनली 100 रन, 10 ओवर 10 विकेटें, क्या बात है, कोइंसिडेंस है या जो भी है, यही है भैया। और लीजिए दूसरी तरफ आ चुके हैं, और हम क्विकली वहां पे अपनी जो है टीम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस टीम में आ चुके हैं क्योंकि हमें बैटिंग प्रैक्टिस करनी है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक बैटिंग प्रैक्टिस है, हिटिंग की प्रैक्टिस है, और क्योंकि इसमें बढ़िया शॉट्स है तो मुझे लगा आपको देखने में मजा आएगा भैया। और श्रीनाथ और पहली गेंद रोहित शर्मा ने उठा के 6 रनों के लिए लगा दी है, और दूसरी तरफ गौतम गंभीर वहां पे, और लीजिए गौतम गंभीर का भी छक्का, तो क्या बात है भैया। अभी पहला ही ओवर चल रहा है, 2 छक्के और अगला ओवर आ गया। अब जहीर खान लगे हुए गेंदबाजी कराने, लेकिन रोहित शर्मा का बहुत अच्छा चौका वहां पे, तो स्ट्रांग लग रही है अपनी रेड टीम वहां पे। और जहीर खान कंटिन्यू करेंगे आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, और हम इसमें बहुत ही बुरे हैं भैया, वो दिख भी गया और आउट हो गए रोहित शर्मा वहां पे। अगली गेंद हवा में आई है, पीछे फील्डर है, ओके, तो जहीर खान कहां से आ गया यार, गौतम गंभीर आउट हो गया। काफी जल्दी बोलना पड़ रहा है यार, बहुत जल्दी हो रहा है यहाँ सब कुछ। अजिंक्य रहाणे अब दूसरी तरफ से हैं, और ये बिल्कुल गलत हो गया, बैट पैड हो गया भैया, और आउट हो जाएंगे वो। धोनी नहीं छोड़ते, कप्तान है वो, और कहाँ से छोड़ेंगे। श्रीनाथ को अच्छी विकेट्स मिल गई है वहाँ पे, तो चलिए दिनेश कार्तिक ऐसे मौक़ों पे बढ़िया रन लगाते हैं वो, और गैप में लगाया शॉट उन्होंने 4 रनों की तरफ, 20 रनों पे ही, अब 24 कह लीजिए, 24 रनों पे 3 विकेटें गिर गई है, तो मुश्किल में तो है कहीं ना कहीं रेड्स। अगली गेंद दिनेश कार्तिक का बढ़िया शॉट कैच हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कंफ्यूज हो गए जो फील्डर थे, आई थिंक कंफ्यूज हो गए वहां पे, और 4 रन मिलते हुए, चलिए भैया क्या बात है। और ये बढ़िया शॉट सीधा खेला है, आउट तो नहीं होंगे, निकल जाएगी, तो एक और चौका, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन भैया क्रॉस करके किसी तरह दिनेश कार्तिक को कुछ अच्छे रन मिलते हुए। दूसरी तरफ सुरेश रैना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वहां पे, और ये लेग बाई का रन वहां पे एक मिलता हुआ, अच्छी गेंद थी, अपील भी हुई है वहां पे, तो क्या रिव्यू लेंगे यहाँ पे भैया। सौरव गांगुली कप्तान है और बेहतरीन कप्तानों में से एक है, रिव्यू ले लिया है उन्होंने, तो क्या है यहाँ पे, आउट है कि नहीं है, नो बॉल तो नहीं है ये डेफिनेटली, तो लाइन ही नहीं पड़ी यार, ये तो शॉर्ट ही कुछ और खेल रहे थे और खेला कुछ और ही गया वहाँ पे, तो बैट तो कहीं आसपास है ही नहीं वहाँ पे भैया, तो क्या है ये भैया। तो पिचिंग इन लाइन है, इम्पैक्ट इन लाइन है सॉरी, और सब कुछ लाइन में है, ये आउट है, क्लियर आउट है, बहुत ही अच्छा रिव्यू वहाँ ब्लैक्स ने लिया है। और दिनेश कार्तिक जो थोड़े अच्छे रन बना रहे थे उनका विकेट गिरेगा यहाँ पे, मुश्किल होगी भैया बहुत ज़्यादा ब्लैक्स के लिए, नहीं रेड्स के लिए। चलिए महेंद्र सिंह धोनी कप्तान आ चुके हैं, अब तो इन्हें ही कुछ करना होगा, और लीजिए धोनी का छक्का है भैया, ये जंगलों में गेंद चली गई अब तो 143 मीटर लंबा छक्का था वो, क्या बात है, 43 for 4, और 58 रन अभी भी चाहिए, और ये बैक फुट पे जाके खेला है महेंद्र सिंह धोनी ने, टाइमिंग अच्छी नहीं थी, बट ये वाला शॉट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि भैया प्रैक्टिस ही हो रही है यहाँ पे, तो आई थिंक धीरे धीरे अच्छी भी आ जाएगी। धोनी 10 रनों पे पहुँच चुके हैं, 2 गेंदें ही खेली अभी तक उन्होंने, हरभजन सिंह कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक और शॉट, इस बार भी टाइमिंग इतनी खास नहीं थी, लेकिन गैप जो है वहाँ पे बहुत बड़ा है, और आराम से एक और चौका मिलेगा, क्या बात है। धोनी वहाँ पे बढ़िया शॉट्स लगाते हुए 14 रनों पे पहुँच चुके हैं, और अब आधा स्कोर कहीं ना कहीं बना लिया रेड्स ने, और आधा उन्हें बनाना है। गेंद काफ़ी नीचे रही, एक बार फिर से बैक फुट पे खेलना चाहते थे, और ये LBW हो गए, इस शॉट की यही प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं ये नहीं खेलता हूँ, इसमें LB के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं भैया। और लीजिए क्या बढ़िया शॉट है ये, सुरेश रैना खड़े हुए, इन्हें तो भूल ही गए थे, असली खतरनाक वाले आदमी सुरेश रैना वहाँ पे खड़े, क्या बढ़िया शॉट है ये, पिछला छक्का ये चौका, प्लेसमेंट देखिए इस शॉट की, क्या बढ़िया खेली है।
क्या बात है भैया, इरफान पठान गेंदबाजी करा रहे अगली गेंद, और ये बिल्कुल एक्शन रिप्ले की तरह दोबारा चौका लगाया उन्होंने। सारी गेंदें हवा में जा रही है, वहाँ पे कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है। तो चलिए 66 रन्स हो चुके, और क्या बड़ा छक्का है यहाँ पे, ये भी भैया क्राउड में जाएगी बॉल, बहुत ही अच्छा छक्का। तो फाइनली 29 रन 24 बॉले। एक टाइम पे लग रहा था कि रेड्स बहुत मुश्किल में आ चुका है, लेकिन एक और छक्का उसी बीच, ये काफ़ी लंबा छक्का है यार, वैसे अच्छे छक्के लगे वहाँ पे। रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना ने मैच ही पलट दिया है, सारा मैच पलट दिया। और ये लीजिए 4 रन जाएंगे, गैप में शॉट है, अच्छा चौका। पूरा मैच उन्होंने दोनों ने ये पिछले 2 ओवरों में बदल दिया, क्या बढ़िया बैटिंग की है भैया। और लीजिए एक और छक्का, कोई नहीं रोक सकता इन दोनों को, और अब मुझे नहीं लगता यहाँ से ब्लैक जो है वापसी कर सकते हैं। 10 रन रह गए हैं, और ये सीधा छक्का लगता हुआ, बहुत अच्छा शॉट है ये, मैच कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। 102 मीटर लंबा छक्का, सिर्फ 4 रन रह गए हैं, 15 बॉलें अभी भी पड़ी है, और रविंद्र जडेजा इस मैच को फाइनली ख़त्म करते हुए भैया। क्या बात है यार, मज़ेदार, खूब हिटिंग। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं हिटिंग नहीं करते, लीजिए भैया स्पेशली हिटिंग के लिए एक मैच आपके लिए, क्विक मैच था 10 ओवरों में। और लीजिए अगला मैच किसका हो ये ज़रूर बताइएगा, मज़ा आएगा। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है भैया लाइक कर दीजिए, कोई भी बात है कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।